नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज, संविधान और कानून। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की। संचालनालय राष्ट्रीय कैडेट कोर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भोपाल के निर्देश के अनुसार दो मध्य प्रदेश नेवल यूनिट एनसीसी द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 तक 10 दिवसीय सेलिंग एक्सपीडिशन शिविर सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कमांडर मैंकपुरी द्वारा बताया गया है कि शिविर के छठवें दिन प्रशिक्षण तालिका के अनुसार आज प्रातः पीटी के बाद समस्त कैंडिडेट्स को सेलिंग हेतु बरगी डैम में ले जाया गया, जहां कैंडिडेट्स द्वारा बड़े उत्साह के साथ सभी बोट्स में सवार होकर रूट चार्ट के अनुसार अगले पड़ाव की ओर 30 किलोमीटर सेलिंग करते हुए लखनपुर गांव पहुंचे। एवं ग्रामवासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। शिविर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री विशाल धगर जी द्वारा विजिट करते हुए कैंडिडेट्स के साथ लखनपुर गाँव तक भ्रमण किया गया एवं कैंडिडेट्स का मनोबल बढ़ाया गया। वहीं दूसरी ओर अन्य कैंडिडेट्स को अगले दिन सेलिंग की जानकारी दी गई। एवं स्वच्छ भारत अभियान के तहत रानी दुर्गावती समाधि में जाकर रानी दुर्गावती की प्रतिमा एवं आसपास साफ सफाई करते हुए आम जनता को जागरूक किया गया। विगत दिनों विशाखापट्टनम में दिनांक 2 से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित ऑल इंडिया नौ सैनिक कैंप में इस यूनिट के 9 एनसीसी कैंडिडेट ने हिस्सा लिया एवं ऑल इंडिया बोर्ड पुलिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके उपलक्ष्य में संचालक राष्ट्रीय कैडेट कोर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ भोपाल द्वारा सभी कैंडिडेट्स एवं इस कार्यालय के पीटी ऑफिसर के डी विश्वकर्मा को पुरस्कृत किया गया। उक्त शिविर के सफल संचालन में एनसीसी अधिकारी सब लेफ्टिनेंट नितिन गीते, पीटी ऑफिसर प्रहलाद विश्वकर्मा, सोनू राजा, के डी विश्वकर्मा, चेतन प्रसाद, नरेंद्र, राकेश यादव, आकाश यादव, विजय, रमेश रघुवीर एवं समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मध्य प्रदेश जबलपुर से ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर की खास रिपोर्ट। बताइए क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ अभी? क्या है, नेवी एनसीसी के बच्चे अलग अलग उससे रायपुर से और भोपाल से और जबलपुर से यहाँ एकत्रित हुए हैं अपनी उस एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए। इनको हम और जैसे कैसे हवा से बोट चलाना है, कैसे हवा लेना है और उसके लिए ट्रेनिंग चल रहा है। ये कैंप 10 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक है। इसी के दौरान एनसीसी के अलग अलग बच्चे एमपी एनसीसी के बच्चे अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सोनू राजा, पेटी ऑफिसर। मैं एक अपने नौसेना से हूँ। यह मेरी मैं यहाँ पोस्टिंग ट्रेनिंग के लिए हुआ हूँ। एनसीसी निदेशालय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार हम यहाँ पर एक सेलिंग एक्सपीडिशन कैंप आयोजित कर रहे हैं, जहाँ पर हमने भोपाल, ग्वालियर और रायपुर से भी कैडेट्स बुलवाए हुए हैं। ये कैडेट्स रोज 30 से 40 किलोमीटर तक की सेलिंग करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हवा का उपयोग करके हम नाव को चला सकते हैं। बच्चे गाँव जाके ये भी पता करते हैं कि गाँव वाले कैसे मिनिमम रिसोर्सेज से तरह रहते हैं, जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में गाँव वालों से बताते हैं। और ये कैंप 10 से लेकर 19 अक्टूबर तक चल रहा है। 19 अक्टूबर में सारे बच्चे अपने अपने घर लौट जाएंगे। लगभग कितने बच्चे हैं? बच्चे टोटल 60 हैं। हर एक ग्रुप से 15 बच्चे आए हैं, जिसमें कि 9 लड़के और 6 लड़कियां। कहां पर चल रहा है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम बरगी डैम जबलपुर में चल रहा है। यहां से ये 30-30 किलोमीटर पर डे सेलिंग करके लखनपुर, पायली, मायली और पायली जाते हैं। आपका शुभ नाम? मैं लेफ्टिनेंट कमांडर मैंकपुरी, कैंप कमांडेंट। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।